टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर गुड सेकेंड इन इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा इनवर्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम एम एल अग्रवाल फॉर क्लास प्लस टू दैट इज 12th फॉर आईएससी। दिस इज द लेक्चर नंबर 6 ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट सी सम्स वी हैव ऑलरेडी डन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चे हमें क्या दिया है? साइन इनटू कॉट इनवर्स कॉस इनटू टेन इनवर्स एक्स, ये गिवन है। एक ये क्लॉज, ये क्लॉज और इसका क्लॉज किसके इक्वल प्रूव करना है हमें? वी हैव टू प्रूव इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसके इक्वल प्रूव करना है। हाँ जी देखो यहाँ पे कॉस है, टेन इनवर्स का कॉस में कोई फॉर्मूला है? कॉस या कॉस इनवर्स में यस बताइए सर। कौन सा? सर कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, वेरी गुड बच्चे। टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है? सेंस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें ये भी चीज देखनी है ना, यहाँ कॉस है, ये कॉस किससे कैसे खत्म होगा? अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स होगा तभी खत्म होगा ना, इसलिए मुझे टेन इनवर्स की वैल्यू ये वाली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फिल कर देंगे। साइन एज लाइक कॉट इनवर्स कॉस, टेन इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर टाइम अब कॉस इंटू कॉस इनवर्स कट गया, सिर्फ क्या बच गया? साइन इंटू कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। यस और नो? अब यहां साइन है, यहां कॉट इनवर्स है, यहां पे क्या है? साइन, यहां पे कॉट इनवर्स, मतलब कॉट इनवर्स को मुझे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। निकिता तूने नहीं बोलना, तोशी कॉट इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में जी है कोई? बताइए बच्चे। सिंस हाँ जी, ये सेम टू सेम, यहां देखिए एक मिनट, सर, इसको 10 में नहीं कर सकते? टेन में नहीं ना बेटा, साइन है यहां पे बाहर, यहां साइन है ना। यस यहाँ पे कॉट इनवर्स है, सर, साइन का है तो है 10 के साथ। रुक जा, साइन का किसके साथ है? टेन, सर 10 10 के साथ, क्यों? सर कॉर्ड के साथ नहीं है। बच्चे कॉट इनवर्स, कॉट का देखना है हमें, कोई फॉर्मूला सर है ही नहीं कॉट का, होगा, सर ये कैसे कॉस पॉसिबल? साइन टेन बस यही है सर, कॉट का तो है ही नहीं, एक भी नहीं है। रुक जा, कॉट होना चाहिए, ये नहीं हो नहीं सकता है कि ना हो, क्यों नहीं है? सर, मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं।
अच्छा सर फिर भी नहीं है उसमें। कॉट इसको इनवर्स टेन में एक्स कर लो ना। का, और रुक जा यार, कॉट इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है सर, नो सर। मेरे बुक में है सर एक मिनट मुझे देखना, कॉट इनवर्स का टैन के फॉर्म में। साइन की फॉर्म में बेटा। सर पर आपने 1/√1+x² कैसे लिखा? वो तो बच्चे ये फॉर्मूला है, ये देखो फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पे मैंने ये वैल्यू फिल की ना बेटा। देखो बाकी तीनों टर्म्स साइन कॉट इनवर्स कॉस ऐसी रहा, इसके प्लेस पे मैंने ये लिखा, ये कट गया, ये आ गया दिस वन। वन अपॉन रूट 1+x² है। कॉस टेन के साथ है ना, टेन इनवर्स के साथ, कॉस यस सर। के साथ नहीं है। नो सर। क्या करें फिर, सर टेन में कन्वर्ट। कैसे करें कन्वर्ट, वही सोच रहा हूँ मैं। कॉट इनवर्स एक्स, टेन कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है, टेन रूट 1+x² अपॉन वन। नहीं कॉट को सीधा टेन का इनवर्स तो लिख नहीं सकते ना, कैसे सर लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हो? सर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। रुक जा, साइन इनटू साइन इनवर्स, टेन इनटू टेन इनवर्स, जस्ट वेट, ये सारे फॉर्मूलाज देखने का, कहीं ना कहीं तो होगा। कॉट इनवर्स एक्स साइन की फॉर्म में, नहीं। सर कॉस के साथ जरूर है। कॉट का नहीं सर कॉट तो कहीं है ही नहीं सर, टैन है कॉस है, उन दोनों का एक रिलेशन। एक मिनट पूछिए, जस्ट वेट। कॉट को सर अगर हम, हाँ जी सर हाँ सर जी, कॉस है और कॉट क्यों लिख रहे हो? ये कॉट इनवर्स है ना बेटा, किसकी ओके बुक में है ओके बेटा? कॉट इनवर्स का साइन के इनवर्स के साथ है फॉर्मूला कोई? किसकी मल्होत्रा में तो है, बुक में है मेरे बताओ निकिता, क्या है? सर साइन कॉट इनवर्स 1/x है सर, कॉट इनवर्स 1/x, 1/x किसके इक्वल? साइन इनवर्स एक्स एक्स अपॉन वन, एक्स अपॉन √1+x² दिस वन यस सर। सर 10 cos cos x को सबको इक्वल कर रखा है बुक में। यहाँ पे भी होना चाहिए था, एक मिनट लास्ट में लिखे होंगे ना फॉर्मूला, इसके कि नहीं लिखे, एक मिनट सर सर रुक जा, नहीं लिखे। हाँ जी जो ये वाला फॉर्मूला नहीं दिखाया इसने,
सर हमारी बुक में भी सेम है, लेकिन ये कॉट इनवर्स 1/x का टेन इनवर्स एक्स देगा है। या और से यहाँ साइन है कि कॉस है? अच्छा सर साइन ही है सर, यही मैं आपको कह रहा था, साइन और कॉस दो हैं बुक में ये। सर चलो एक कॉट नहीं मिनट, है। जस्ट वेट, इसको ही करके देखते हैं। इससे बच्चे यहाँ पे रूट है, पक्का रूट है, यस सर। साइन एज लाइक कॉट इनवर्स 1/x, 1/x, ये एक्स हो गया है ना, तो हमें लिखना है साइन इनवर्स एक्स, एक्स के प्लेस पे ये आ जाएगा रूट 1+x² अपॉन रूट में 1+x², एक्स की वैल्यू क्या है ये है ना, जैसे वैल्यू ऑफ एक्स ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1+x² आ जाएगा। समझिए ये कैसे आया, यस और नो? नो सर। ये फॉर्मूला बच्चे जो बॉक्स में किया, इसको देखो, कॉट इनवर्स 1/x किसके इक्वल, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1+x² के इक्वल। 1/x वाला फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे है ये चेक करो। पेज नंबर 87 पे 87 तो पेज ही नहीं। नहीं अच्छा सर, 87 ही है। सर 95 है। 95 पे हाँ जी सर, यही सर वहां पे साइन, फॉर्मूला दी। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स और 1/x हो गया, वहां टेन इनवर्स एक्स है ना बच्चे, समझे? सर यहाँ बट पे वो कॉट एक्स ग्रेटर देन वन वन बाय के लिए एक्स होता है। यहाँ पे 1/x आ गया ना बेटा, कॉट इनवर्स 1/x, यस और नो? यस सर। अगर ऐसे नहीं समझ आता बच्चे तो ट्रायंगल बना लो। ये क्या है, कॉट इनवर्स, सर बेस अपॉन कॉट परपेंडिकुलर। बेस यहां पे ले लो, ये वाला बेस ले लो, बेस कितना हो जाएगा 1, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √1+x², यही होगा ना, हाइपोटेन्यूज फाइंड करो कितना आएगा। सर इनवर्स में उल्टा नहीं होता। और रुक जा, इनवर्स में उल्टा नहीं होता, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही रहेगा ना, हाइपोटेन्यूज इन दोनों साइड से फाइंड करो कितना आएगा, सर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1+x² आ जाएगा ना, यस सर, यस और रूट नो? टू प्लस यहाँ पे क्या एक्स। है, साइन, फॉर्मूला डेरिवेशन है ये एक टाइप से, यहाँ पे साइन रहेगा। अब कॉट की जगह मुझे क्या लिखना है, साइन इनवर्स लिखना है, साइन इनवर्स इन तीनों साइड के अकॉर्डिंगली, साइन की वैल्यू, साइन किसके इक्वल होता है पी बाय एच ना, परपेंडिकुलर कौन सा है ये, हाइपोटेन्यूज ये, यस सर, समझ आ गया? इसको अगर नहीं भी यस याद करना आप ऐसे कर लो ना कि साइन इंटू कॉट इनवर्स है, मुझे साइन इनवर्स चाहिए, तो एक ट्रायंगल बना लो, कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर लिए तीसरी साइड फाइंड की, इसकी जगह साइन लिख दो, साइन इनवर्स, और वैल्यूज इसमें से देख के लिख दो, सर ये ज़्यादा बढ़िया है। साइन इंटू साइन इनवर्स कट गया, क्या आ गया √1+x² अपॉन √2+x², यही हमें प्रूव करना था, इसको सिंगल उसमें कर सकते हैं, समझ गए बच्चे? फिर क्या बात है, ये नो से बताऊं कि जरूरत नहीं है? सर। सर जो ये सर फॉर्मूला स्टार्टिंग का है, पार्ट था। ये फॉर्मूला बच्चे यहीं से एक टाइप से हो गया ना, आप ये सोचा करो, जब भी हमें कोई चीज गिवन है ना, मान लो यहाँ साइन इनवर्स गया होता है, तो हम साइन का फॉर्मूला क्या होता है गुरलीन, यहाँ पे साइन होता, मतलब ये छोड़ दो, चलो कॉस होता है, यहाँ पे कॉट की जगह कॉस होता है, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, बेस और यस हाइपोटन्यूज, ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटन्यूज हो जाता है, तीसरी साइड फाइंड करते, यस सर,
चलो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये है बेटा, मुझे कॉस इनवर्स की जगह क्या चाहिए? साइन इनवर्स चाहिए, तभी कठिन है ना ये। तो एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल के अंदर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सर बेस बेस अपॉन कौन हाइपोटेन्यूज? हाइपोटन्यूज, ये हो गया। अब तीसरी साइड फाइंड करो, किससे? पाइथागोरस से। हाइपोटन्यूज का स्क्वायर 1 + x² - 1, क्या आ जाएगा? 1 का x² मतलब x आ जाएगी ये साइड। अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स लिखना हो, साइन इनवर्स का साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। यहाँ पे एक्स यस अपॉन सर, रूट 1 + x² आ जाएगा, मतलब ये चीज इसके इक्वल, ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं हम, समझे? यस सर, मतलब अगर यहाँ पे हमने फॉर्मूला खुद ड्राइव करना हो, कॉस इनवर्स 1 / x, यही है ना? नहीं, ये है पूरा 1 + x² है ना। चलो 1 / x, और यहाँ पे x आया, नहीं रूट पूरा ही लिखना पड़ेगा, 1 + x² किसके इक्वल? साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 + x² के इक्वल लिख सकते हैं हम कॉस को साइन में। अगर इसी को कॉट में कन्वर्ट करना हो, यहाँ कॉट होता, कॉस इनवर्स को कॉट में करना होता, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1 / x आ जाता, मतलब कॉस इनवर्स 1 / √1 + x² की वैल्यू 1 / x के इक्वल होती, कॉट इनवर्स 1 / x के। मेरी बात नहीं समझ रहे? सिंपल सा मैं एक फंडा समझाता हूँ आपको, कि आपको फॉर्मूलाज अगर नहीं भी लर्न हो रहे हैं ना, काफी फॉर्मूलाज, अगर आपके पास बच्चे साइन इनवर्स मान लो ए अपॉन बी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, बना लिया, ये थीटा यहाँ पे लेके करेंगे हम, ठीक है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है आकृति? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन? सर नहीं याद। अच्छा पी अपॉन एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर सर वो ए वाला हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बी हो परपेंडिकुलर, जाएगा। तीसरी साइड फाइंड करो, कितनी आएगी पाइथागोरस थ्योरम से? B² - A² का स्क्वायर रूट आएगी ना। अब ये चीज थी साइन इनवर्स ए अपॉन बी। अगर हमें कॉस इनवर्स फाइंड करना हो, मतलब साइन, ये चीज ऐसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स ए अपॉन बी किसके इक्वल कर सकते हैं हम? कॉस इनवर्स यहां से दिस अपॉन दिस रूट B² - A² अपॉन बी, बी के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। अगर साइन इनवर्स को टैन में कन्वर्ट करना है इस चीज को, तो टैन इनवर्स साइड्स पी अपॉन ए बी, ए अपॉन इसके इक्वल होगा। अगर इसको कॉट के इक्वल करना है साइन इनवर्स को, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, कॉट इनवर्स रूट B² - A² अपॉन ए हो जाएगा। अगर सीकेंट में कन्वर्ट करना है साइन को, तो क्या आ जाएगा? दिस अपॉन दिस आ जाएगा, साइन इनवर्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स दिस अपॉन दिस। इसको कॉसिकेंट में कन्वर्ट करना है, एच अपॉन बी, साइन इनवर्स ए अपॉन बी को एच अपॉन पी, बी अपॉन ए आ जाएगा, समझे? ये चीज समझ आई कि हम किसी इनवर्स को भी, साइन इनवर्स को किसी में भी कन्वर्ट, ऐसे कॉस इनवर्स को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यस सर, सर हाँ, अब थोड़ा सर सा पल्ले पड़ा। हाँ सर, पल्ले तो पड़ा हाँ सर, अब थोड़ा ठीक लग रहा है सर, हाँ लेकिन हो वो कुछ जाएगा, मार्क्स मार्क्स तो नहीं काटेंगे कि आप 10th नहीं वाले यूज कर काटेंगे। रहे नहीं हो? नहीं 10th वाला थोड़ा यूज कर रहे हैं यार, इन्वर्स कर रहे हैं हम तो। नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं, जैसे मैं हमने वहां ये, पे ये थोड़ा लिख रहे हैं कि कॉस बी अपॉन एच होता है, हम तो साइन इनवर्स इसकी वैल्यू को कॉस में कन्वर्ट किया, इसकी वैल्यू को टेन में, इसकी वैल्यू को कॉट में कन्वर्ट किया, ठीक समझे? है, यस सर। हाफ नेक्स्ट टाइम, हाफ साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस, सॉरी यहाँ टेन भी है, टेन हाफ, ये सारा एंगल है टेन के साथ, अकेला हाफ नहीं है, प्लस कॉस इनवर्स
वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बता सकता है कोई क्या करें? सर वैसे देख के हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। सीधा फॉर्मूला है बच्चे। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद, फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद, वैसे ही रफ वर्क में बना लो एक ट्रायंगल, ठीक है? सबसे इजी मेथड है ये, साइन है यहाँ पे। साइन क्या होता है मनमोहित? सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 2x हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 1 + x² वन प्लस। हाँ जी तीसरी साइड क्या आएगी? सर, हाइपोटेन्यूज इसका माइनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो वन सर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स फोर प्लस 2x² आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। -4x² आ जाएगा। यस सर, इसका स्क्वायर 4x², यहाँ से क्या बन गया? 1² वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -2 × 1 × x² बन गया। 2x² बचेगा ना माइनस का, ये यस क्या बन सर, गया? 1 - x वन का होल माइनस एक्स स्क्वायर। का स्क्वायर होल स्क्वायर। से स्क्वायर रूट कट गया, ये वैल्यू क्या आ गई? 1 - x आ गई, हाँ जी आ सर, गई। यस सर, साइन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² को क्या लिख सकते? वन माइनस एक्स ही टैन आएगा ना, एक मिनट मुझे सोचने दो। 2x 1 + x² हाँ जी, हाँ अच्छा, अपॉन पी पी अपॉन एच, इसका स्क्वायर किया ये आ गया, इसका स्क्वायर किया 4x² आ गया, ठीक है, माइनस किया क्या? हाँ जी, क्या लिख सकते हैं? सर यही लिख सकते हैं, मतलब 2x अपॉन 1 - x, नहीं सर, 1 माइनस एक्स। हाँ जी दिस अपॉन दिस। चलो वो भी देख सकते हैं, पर ये हाफ को कट करना है। कोई फॉर्मूला यार, सीधा सर, ही ऐसे फॉर्मूला सर पड़ा है, सर जो छोड़ो, साइन एक इनवर्स प्लस मिनट, कॉस। ये रहा फॉर्मूला। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², यही चीज है ना? किसके इक्वल? 2 tan टू इनवर्स टेन एक्स, इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स x। ऐसी कॉस, साथ ही में सेकंड सेवंथ का सेकंड फॉर्मूला बच्चे, पेज नंबर 94 के। कॉस इनवर्स 1 - x², एक्स की जगह पे वाई वाई है, अपॉन 1 + y² किसके इक्वल? 2 tan इनवर्स x के इक्वल। एक्स की जगह वाई आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा बेटा, समझ गए? यस सर। अब यहाँ देखो, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई है, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई है। टेन हाफ 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये बचा। ये 2 से 2 कट गया, मतलब हमारे पास क्या रहेगा? 10 × 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बच गया। अब इसका कोई फॉर्मूला है? टेन यस सर, इनवर्स एक्स यस प्लस सर। टेन, क्या फॉर्मूला है? सर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, -x y, यही है। यस। टेन एंड टेन इनवर्स कट गए, क्या आंसर आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। सर जी, हाँ जी, फिर सर एक्स वाई की वैल्यू less than 1 होगी ना इसमें तो? क्या हो गया? नहीं, सर हमें पता कैसे चलेगा कि less than 1 है, greater than 1 है, कि एक्स बड़े कि वाई? यार वो तो ऐसे ही दिया होता है, उसको छोड़ दे, उसके पंगे में मत पड़। वो तो ना 10th में भी दिया होता था ना। नहीं सर, तो अब वो क्वेश्चंस ऐसे किए थे उसमें सर, वो लिमिट से बीच में आने लग गई कि 1 से छोटा निकल आया वो, दूसरा लग जाएगा फॉर्मूला। फिर तो फॉर्मूलाज में याद करना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला नहीं सर, पता ही से लगेगा कि एक्स वाई बड़ा है कि छोटा। में ही है। x is less than 0। ओ दिया हुआ है। हाँ जी, सर और ये वाला क्वेश्चन हम वो ट्रायंगल से नहीं कर सकते? हाँ ट्रायंगल में बच्चे यहाँ पे ना जो हाफ है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे जो हाफ पड़ा है आगे, तो ये वाला फॉर्मूला अलग से ही है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया हुआ है, इसका इसका दिया हुआ है, ठीक है? कि 2 को कट करना था हमें। आगे आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। दिमाग खराब करेगा थोड़ा सा ये चैप्टर, पर दो तीन बार जब करोगे तो आ जाएगा इजीली। सिक्स का फर्स्ट पार्ट बेटा, टेन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स 2/11 को टेन इनवर्स 3/4 की इक्वल करना है। इफ्रा बताइए क्या करें। अभी फॉर्मूला सॉरी किया था बाय यूजिंग, मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं, टेन इनवर्स एक्स एक्स प्लस प्लस टेन टेन इनवर्स इनवर्स टेन वाई किसके इक्वल। सर एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यस। अब देखो एक्स की वैल्यू हाफ, वाई की वैल्यू 2/11, ये चीज लिखनी है। टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पे हाफ आ जाएगा प्लस वाई के प्लेस पे 2/11 आ जाएगा, ये इजी है ना। 1 माइनस एक्स के प्लेस पे हाफ, वाई के प्लेस पे 2/11। इसके आगे कर देता हूं मैं, टेन इनवर्स 11 प्लस 4 15 हो जाएगा ना, 15/22। ऊपर न्यूमिरेटर में एलसीएम लेके नीचे यस सर। 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 1 10/11। अब मेन लाइन ये वाली, 15 ऊपर रहेगा, 22 कहाँ चला जाएगा, मेन लाइन के नीचे। 10 बिल्कुल साथ में रहेगा, 11 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्या आ गया, 10 इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू RHS, यही हमारी राइट हैंड साइड है। समझे बच्चे। यस सर। सेकेंड पार्ट कोई बात नहीं, 2-3 दिन और लग जाएंगे, बट सारे समझी करते हैं हम, तभी आएंगे ये। अगर मैं सोचूं 1 या 2 पार्ट करवा के काम चल जाएगा, ये वाला पार्ट अपने आप करो। सेकेंड पार्ट सेम है बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह, हो जाएगा बच्चे। तनिष्का कर यस सर हो जाए। लोगे, ये भी सेम है पर माइनस आ गया। माइनस वाली कोई आइडेंटिटी है बताइए। ठीक है शायद। यस है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस xy, बताया भी था। प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, माइनस में ऊपर प्लस आ जाएगा, और सॉरी ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस हो जाएगा। लिखूं बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हो बताइए। जाएगा हो तो हो जाएगा। जाएगा जाएगा। अब जो नेक्स्ट सम है बेटा, इसमें पहले एनी टू को सॉल्व कर लो। चलो फोर्थ पार्ट करते हैं हम, सिक्स का फोर्थ पार्ट। तो गुडलीन यस सर। बताइए क्या करें हम। को पाई बाय टू की इक्वल प्रूव करना है, सर व्हाट वी पहले कैन इन डू, दो को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को कर लें। टेन यस सर फॉर्मूला लगा देंगे। इनवर्स 1 को ऐसी रहने दो, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस y, यही फॉर्मूला। अपॉन यस सर। में 1 माइनस दिस इंटू 1/2 दिस, वन बाई इंटू सिक्स वन सिक्स बाई थ्री सीधा ही लिख दिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये मत लिख देना। 10 इनवर्स a 1 प्लस यहां से 3 प्लस 2 5/6, नीचे भी 5/6, क्या आ गया, 10 इनवर्स 1। 10 इनवर्स 1 ही आ जाएगा ना। 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 1 कितना बन गया, 2 10 इनवर्स 1। 2 10 इनवर्स 1। अब 10 की वैल्यू 1 कहां पे होती है, सर π/3। 45 पे, ओ सॉरी सर π/4। 180/4 45 होता है ना। 10 की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, 45। मतलब अगर ऐसे नहीं करना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 10 इनवर्स
वन की वैल्यू टेन पाई बाय फोर, ऐसे कर लो, टेन से टेन कट गया, टेन इनवर्स से टेन, क्या आ गया, टू इंटू पाई बाय फोर, टू से ये कट गया, क्या आ गया आंसर, पाई बाय टू आ गया, इज इक्वल टू आर एच एस। समझ आया बच्चे कैसे किया, यस सर, सबको आ गया हुडा। हुडा जी जिंदा हो, आवाज नहीं आ रही तेरी, थोड़ी सी आई थी, जैसे रो रही हो। चलो छोड़ो, अयोधिका, यस सर, अयोधिका सिक्स का फिफ्थ पार्ट करवा। टू टेन इनवर्स वन बाय थ्री प्लस टेन इनवर्स 1/7 को पाई बाय फोर के इक्वल प्रूफ करना है। हाउ वी कैन डू दिस, कैसे करें बोलिए बच्चे। हाँ ये क्या सर है, टैन फिर इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, क्या करेंगे उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको बेटा, बाय यूजिंग, हमारे पास एक फॉर्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स का, यस सर, किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन 1 - x2। ठीक है, यस ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब ये रहा टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/3 और माइनस नहीं प्लस है, वो तो इनवर्स डाला हुआ है ऊपर, ओ सॉरी सर 1/3 मतलब ये चीज हमें गिवन है जो मैंने अंडरलाइन की है दोनों तरफ, देखो ये लिखनी है, इसके प्लेस पे ये लिखना है, तो क्या लिखूं मैं, टेन इनवर्स अयोधिका बोलो टैन इनवर्स 2/3 टू इंटू 1/3, नीचे वन माइनस 1/3 का स्क्वायर दैट इज 1/9 प्लस टेन इनवर्स 1/7, ऐसे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। यहां पे इसको सॉल्व करो, टेन इनवर्स 3 2/3, 2/3 थ्री में नीचे ले गया, 9 - 1 8, 9 8/9 ऊपर चला गया। यस ठीक है, अब इसके बाद तो इजी रह गया, 3 4, 3/4 आ गया। यस अब टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7, वही सेम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला फिर से बताइए मुझे, मैं लिखता हूं यहाँ पे, किसके तो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इक्वल, टैन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई 1 - x y ये अब एक्स की वैल्यू 3/4, वाई की वैल्यू 1/7, यहाँ पे फिल कर देंगे, ये टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 3/4 प्लस प्लस वन वन बाय बाई सेवन मेन लाइन 1 - दिस इनटू दिस 3/28। ठीक है, टेन यस इनवर्स ऊपर एलसीएम लिया 28 आएगा, 21 + 4 25, यस सर 28 नीचे ले गया मेन लाइन से 28 - 3 25, 28 25 कहाँ ले गए, ऊपर, क्या आ गया, टेन इनवर्स 1 आ गया। अब टेन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं हम, टेन इनवर्स इंटू टेन पाई बाय 4 लिख सकते हैं ना, यस सर टेन टेन से टेन कट गया, पाई बाय 4 इज अवर आंसर, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आया बच्चे ये सम। यस सर यस सर नाउ नेक्स्ट सम, बच्चे ये मुझे करवाने की जरूरत है, सिक्स पार्ट से बिल्कुल सेम फोर्थ पार्ट की तरह ही है, तीन तीन टर्म्स हैं बस, यहाँ माइनस है, ये ध्यान रखना, पहले माइनस वाला फॉर्मूला लगा देना फिर बाद में प्लस वाला लग हो जाएगा। जाएगा सर, हो जाएगा, हो अब ये जाएगा सर कॉट इनवर्स वाला आ गया, सेवन पार्ट में हमारे पास कॉट इनवर्स आ गया, एट पार्ट में सॉरी, हाँ सेवन पार्ट में, क्या करें मुझे ये कौन करवाएगा,
करवाएगी इफ्रा, सर। सिक्स का सेवन पार्ट करवाइए बच्चे मुझे। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 किसके इक्वल प्रूफ करना है? पाई बाय 2 के इक्वल प्रूफ करना है। व्हाट वी कैन डू, बहुत इजी है। 40 तो प्रूफ, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है इफ्रा? इफ्रा सर उसको कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है ये मुझे ये चेंज करो बताओ। सर, टैन में चेंज कर लेंगे, वही तो बोल रही हूँ रिवर्स सर। पहुंची नहीं थी। टेन इनवर्स 1 ही आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स 2 को क्या लिख सकते हैं? प्लस टैन इनवर्स 1/2, टैन इनवर्स 1/3। टेन। अब इसके बाद करवाने की जरूरत है बच्चे, वही फोर्थ पार्ट की तरह हो गया। नो हो सर, जाएगा सर, हो नो जाएगा। हो जाएगा सर। आगे जो 8th पार्ट है वो भी सेम, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कर लोगे? हाँ, सर खुशी बहुत हो रही है अब। क्या आने लग गए सम? सर यस सच्ची सर, पता है, पता क्या है सर, बेटा, देखो ये वाले सम सारे के सारे एक जैसे ही हैं, कुछ यस नहीं है सर, इसमें। जहां भी कहीं कहीं नया फॉर्मूला आएगा एक बार ये लगेगा भाई ये फॉर्मूला क्या आ गया, और उससे रिलेटेड 5-7 सम आ जाएंगे तो वो लगेगा इजी हो गया। सिक्स वही के सर। सारे पार्ट एक ही फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूला पे हैं, या तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पे, या टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई पे, या यस प्लस या माइनस। तो ये सर, एट पार्ट ऊपर वाले आपके। आपने सही कर दिया, जो प्रूव वाले थे ना उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, सर उससे थोड़ा इजी हो गया। चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। सेवन सम, तनिष्का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, क्या गिवन है हमें? साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 2/√5 को क्या प्रूफ करना है? पाई बाय 2 के इक्वल प्रूफ करना है। तनिष्का बता सकते हो क्या करें? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर। क्या होता है ये फॉर्मूला? साइन बड़ा गंदा इनवर्स एक्स प्लस, सा फॉर्मूला था, यस साइन सर, इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके इक्वल था? इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स एक्स इनटू इनटू √1 - y² प्लस वाई इंटू √1 - x² कितना गंदा फॉर्मूला है ना यस सर। ये। देखो एक्स की वैल्यू 1/√5 है, वाई की वैल्यू 2/√5 है, इसमें फिल कर दो। साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे 1/√5 फिल हो जाएगा, रूट 1 - y², वाई स्क्वायर 2/√5 का स्क्वायर करेंगे 4/5 आ जाएगा रूट में, प्लस वाई की वैल्यू 2/√5, यस अनरूट 1 - x², इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। यस साइन इनवर्स 5 - 1 5 -4 1/5, 1/√5 1/√5 क्या बन गया? 1/5 प्लस 5 - 1 4 4 का क्या बन जाएगा? 2 2/√5 2/√5 4/5 बन जाएगा इसका भी। ये समझाया कैलकुलेट कैसे किया मैंने? यस फाइव सर, 5 LCM 4 + 1 5 हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/5 1 आ गया। साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? 90 पे, मतलब साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 लिख सकते हैं। साइन और साइन इनवर्स कट गए, पाई बाय 2 इज अवर आंसर, दैट इज द राइट हैंड साइड। समझ आया बच्चे? यस सर, ऐसे कॉस का फॉर्मूला बच्चे, नेक्स्ट पार्ट है जो। चलो
सेवन का सेकंड पार्ट मुझे कौन करवाएगा? एक मिनट, अंशिका यस सर, रो क्यों रही है? तो मैं रो नहीं रही हूँ। मेरा इतना बोलने से स्माइल आ जाती है ना फेस पे। यस सर। हाँ जी, ये है बेटा हमारे पास। सर कॉस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का इनवर्स फॉर्मूला वाई, बताइए। सर कॉस इनवर्स एक्स वाई, हाँ, रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, इनटू रूट ऑफ वन रूट। माइनस वाई स्क्वायर। कितने गंदे गंदे फॉर्मूला हैं, लर्न करनी पड़ेंगे। ठीक है यस सर जी। हाँ जी। सर इनको याद करने की जगह वो फॉर्मूला लगा सकते हैं 11th वाले, सर नहीं यार, नहीं दे, क्यों साइन ए प्लस यार, बी वगैरह वगैरह। यार कॉस इनवर्स है ये, नहीं वहां सर, पे ये कॉस ए कॉस प्लस बी। ए प्लस बी का ये फॉर्मूला था। सर ये कॉस इनवर्स में कॉस ए प्लस बी लगाएगा। सर हो चलो जाएगा तो ये लर्न कर ले, कॉस सर, ये नहीं होगा इनवर्स। याद सर, किसी को भी नहीं होगा, शर्तिया है सर। सब हो सर जाएंगे, दस मेरे को मिनट याद है, हो जाएंगे बेटा, टाइम ऐसे एक बार में नहीं याद होते होते। सर, माइनस प्लस की गलती रह जाएगी एंड में जाके फिर भी। मम्मा को बोल ये स्कूल से हटा लें, काम नहीं कुम करवा दें। ठीक सर, एकदम है, सही बोला सर आपने। सर क्या ही लिसन, काम करेंगे अब। यहां से बेटा कुछ नहीं कट हो रहा, 48/65 माइनस 25 माइनस 16, 9, 9 का स्क्वायर रूट 3/5। यहाँ 169 माइनस 25, 25 का 5/13। कॉस इनवर्स 48/65, फिर आपने कॉस लिखा है, सर कॉस लिख, अच्छा बोल रहा तो कॉस ही था। एक तो मेल डायन बहुत तंग कर रहा है आज। वो तो हमेशा ही। यस कोई बात नहीं सर, नीचे एलसीएम सेम आ गया, 48 माइनस 15 33 आ गया, नीचे 65 फिजिकल आर एच एस हो गया। समझे बच्चे? यस सर। हाय गुरलीन, बेचारी छोटी सी जान है ना। थम्स से परेशान। हाँ जी, नेक्स्ट सम ये रहा, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13। साइन इनवर्स 56/65 करना है। दिस एंड दिस वी हैव टू प्रूव साइन इनवर्स दिस वन। तो यहाँ पे हम क्या करें, कौन बताएगा? सर निकिता, निकिता यस चल बता क्या करें। सर, सर हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 56/65 के। हाँ जी, क्या सर करें, तो व्हाट वी कैन डू? इसका नहीं, ये देखो जी, यहाँ राइट में क्या चाहिए हमें, साइन इनवर्स चाहिए ना, तो कॉस को साइन लगेगा। इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यस किसके इक्वल? कॉस इनवर्स। सीधा फॉर्मूला अगर है तो कोई देख लो, है एक यस सर, मिनट, जस्ट वेट जस्ट ओके वेट, मैं साइन का कॉस के साथ देख रहा हूँ फॉर्मूला, कॉस का साइन के साथ जी। फॉर्मूला ना अभी तक याद नहीं है। मैं कम सोखा अपन। एक मिनट रुक जा, समझा था जरा, ये रहा बच्चे 10th फॉर्मूला है, 10th के 3 पार्ट्स हैं। बाय यूजिंग, सर हाँ
इसमें हम कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करके फिर साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला नहीं लगा हाँ जी हाँ सकते? जी वही करेंगे ना। देखो कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स, सर वो ट्रायंगल बना के भी तो हो सकता है। कर लेना साइड ट्रायंगल बना के कर लेना, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स इसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू ये है बेटा, ये लिखनी है, साइन इनवर्स √1 − x² 1 − x, x 3/5 है, 9/25 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 12/13 सेम टू सेम। अब ये क्या हो गया, 25 − 9 16/25 दैट इज 4/5 आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 12/13। निकिता बाय यूजिंग सर, साइन साइन इनवर्स इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके वाई इक्वल, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 − y² एक्स आगे अंडर रूट 1 − y² आगे प्लस वाई अंडर रूट 1 − x² यस दिस वन। अब कट एक्स की वैल्यू 4/5, वाई की वैल्यू यहां यहां पे फिल करके साइन इनवर्स 4/5 अंडर रूट 1 − 144/169 हो जाएगा, प्लस वाई 12/13 अंडर रूट 1 − 16/25 हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5 इंटू 169 − 144 25/169 प्लस 12/13 25 − 69 9 का square root 3/5, यहां से 5 आ गया 20/169। या प्लस होता है कि माइनस होता है फॉर्मूला में, प्लस ही होता है, प्लस 36/65 आ गया, यहां कर 169 ही आएगा, आंसर 65 उन्होंने एलसीएम लिया हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, आपने 169 की छोड़ दिया था नीचे, तो सॉरी वो 13 13 आएगा, क्यों होगा? 13 13 13 यस ठीक है। मतलब क्वेश्चन हमें अपने आप बता देता है कि आप मिस्टेक कर रहे हो, 56/65 आ, समझ आया बच्चे? अगर आपने यहाँ पे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, ट्रायंगल बना के देख लो कि 4/5 ही आएगा, देखो कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से करेंगे 4 sin 4/5 वही है, ट्रायंगल बना के करना है तो ट्रायंगल बना के आप कर सकते हो, ओके समझ आया बच्चे? तो जी सर, एक काम करना, आप यहाँ 7 तक की करना, क्योंकि 8 पार्ट इसके हैं, 8 पार्ट इसके हैं, 16 16 और 2 18 पार्ट्स, 18 सम्स हो गए एक टाइप से, ठीक है, कि दो फॉर्मूलाज दो तीन फॉर्मूलाज के बेस पे तो हमारे को सम आ जाए ना, अंडरस्टूड? यस सर, यस जी सर, सर, पक्का? अच्छा 60 की टर्न नहीं आई, 60 बच गई तू आज, 60 सो तो नहीं यस गई, सर, मैं शायद सो गई हो, मुश्किल से बोलने लगी है, पूरी 10th में ये बोली नहीं है ना, बुरीन स्कूल में भी ऐसी करती है ये, सच्ची में बोलती सर नहीं, ये बोली? बिल्कुल नहीं बोली, पता नहीं इसको आंसर देने में और डर लगता था। भाई सर आपने तो फिर देखा नहीं है, बहुत बोलती है। ये तो बस कभी कभार जो कभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता तभी बोलती थी सर ये दोनों कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये अपने स्कूल में, सर अपना सर इसको स्कूल तो जैसे तो, सब पे बायोग्राफी लिखना हो, सब की सब कुछ जानना है इसको। सर अपना स्कूल तो कार्टून में नहीं आता, रजिस्टर लगता है सर रोज। मैं ये सोच रहा हूँ 1 साल बाद मैं क्या करूंगा, मुझे तुम सर जैसे कुछ बच्चे दिखेंगे नहीं कहीं, सर मुझे अभी क्लास दिख तो सर अभी भी नहीं रहे हम, क्लास लगानी पड़ा करेगी, है ना?
सर कोई नहीं, आपको कॉलेज से कॉल कर लेंगे। ठीक है। सर वीडियो वीडियो ऑन करो सर, आप सर दिख नहीं रहे लो देख लो, क्या देखना है? सर, सबकी ऑन करवा दो वाओ यार। सर, गुड गुड सबकी इवनिंग। सबकी सबकी सबकी। चलो करो भी। हाँ किधर गया।